हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं गुड़ भजे, यानी कि कद्दू के भजे। ये काफ़ी आसान रेसिपी है और बनाने में काफ़ी इजी है और खाने में काफ़ी टेस्टी रेसिपी है। ये डेजर्ट में भी खा सकते हैं, ये थोड़ी मीठी रेसिपी होती है। तो इसके लिए हमें एक कद्दू ले लेना है। ये मैंने आधा किलो कद्दू लिया है। आप चाहें तो जो एक पूरा होल कद्दू आता है वो भी ले सकते हैं। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से कद्दू ले लीजिए और सबसे पहले उसे काट के उसके छिलके उतार लीजिए और बीच का जो पल्प वाला हिस्सा रहता है आप उसे भी काट के फेंक दीजिएगा। वो किसी काम में नहीं आता है। आप देख सकते हैं मैं इसे कैसे क्यूब्स में काट रही हूँ। आप चाहे तो इसे पतला पतला भी काट सकते हैं, आप कैसे भी काट सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं इसे क्यूब्स में काट रही हूँ और कुकर में 3 से 4 सीटी लगा के मैं इसको थोड़ा सा उबाल लूँगी। आप चाहे तो इसे स्टीम भी कर सकते हैं, बट स्टीम को थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप इस तरीके से कुकर में डाल लीजिए, साथ ही में इसमें आधा ग्लास पानी डाल के इसे कुकर में 3 से 4 सीटी होने तक पका लीजिए और फिर कुकर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ये काफ़ी ईजी रेसिपी है, आप देख सकते हैं। आप सेम ऐसा ही करेंगे तो आपके कद्दू बहुत ही जल्दी पक के तैयार हो जाएंगे। आपके सिटी में इसे क्या नाम से पुकारते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कद्दू पक जाने के बाद इसमें जो एक्सेस वाटर रहता है आप इसे छन्नी से छान लीजिए और जो कद्दू है उसे हल्के गर्म में ही मैशर से मैश कर लीजिए या मेरी तरह फोक से आप इसे बारीक बारीक कर सकते हैं। फिर आप इसमें 2 कटोरी चीनी, थोड़ी सी फ्रेश इलायची, कुटी हुई इलायची और चुटकी भर नमक डाल के मिक्स कर लीजिए। साथ ही इसमें गेहूं का आटा डाल दीजिए। गेहूं का आटा आप एक साथ ना डालें, आप थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी के हिसाब से गेहूं का आटा डालिए। देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके जितना मुझे लगता है उतना मैं इसमें आटा डाल रही हूँ और कद्दू के ज़्यादा इसमें आटा नहीं डालना। ये इसका जो बैटर है इसे थोड़ा सा पतला कंसिस्टेंसी में ही रखना है, क्योंकि अगर आप आटा ज़्यादा डाल दोगे तो जो कद्दू का है वो टेस्ट आपको नहीं आएगा। फिर हाई फ्लेम पे आप तेल गरम कर लीजिए और गरम गरम तेल में आप इसे पकोड़े की तरह डाल दीजिए। आप इसे कम आंच पे बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो आपके जो भजे हैं वो चिपकने लगेंगे। ये थोड़े स्टिकी से होते हैं, थोड़े चिपकने से लगते हैं, बट ये जब निकालते हैं और जब पूरा पक जाते हैं तो आसानी से अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो थोड़ा सा स्टिकीनेस आपको दिख रहा है ये तो आता है क्योंकि ये पम्पकिन के भजे हैं इसलिए। तो जब अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसे निकाल लीजिएगा। इसी तरीके से आप बाकी के भजे भी बना सकते हैं। अगर आप इसमें आटा ज़्यादा डालते हो तो आपको आटे का ही टेस्ट आएगा, इसलिए आप आटे की क्वांटिटी कम ही रखिएगा। ये मेरी टिप है आपके लिए। और फिर आप देख सकते हैं कि ये कितने जूसी और कितने अच्छे बनते हैं। खाने में भी ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। हम तो हमारे घर में हर त्यौहार में इसे बनाते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी?